Hello, my dear students. Today I am going to give you worksheet of EVS class 2. Okay, so all of you listen carefully and write it in your notebook. So let's start the worksheet. Write Divine International School second term. This is worksheet for second term. Okay, worksheet. After that, write subject EVS class 2 and the syllabus is from lesson 5 to lesson 12. Lesson 5 कौन सा chapter था हमारा? Clothes we wear से लेके जो lesson 12 last Monday हमने किया था our festivals, वहाँ तक का ये chapter आपको पूरा इस worksheet में उसके question answers fill up वगैरह सब दिए हुए हैं. तो ये worksheet आपको लिखनी भी है और properly याद भी करनी है, ठीक है? So learn it properly और प्रैक्टिस करनी सबसे ज़्यादा स्पेलिंग्स की. बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट. राइट क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, नेवर डैश द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स. व्हीकल्स का मतलब होता है गाड़ियाँ, कार, बस वगैरह, ठीक है? तो यहाँ आएगा नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग व्हीकल. तो डिस्टर्ब की स्पेलिंग DISTURB, disturb. Second is, never taste dash on your own. अपने आप से taste नहीं करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को? Medicines. MEDICINES. Never taste medicines on your own. Third is, we celebrate Baisakhi on. तो हम every year, बैसाखी कौन सी डेट को मनाते हैं? वी सेलिब्रेट बैसाखी ऑन 14th अप्रैल एवरी ईयर. 14 अप्रैल को, 14th अप्रैल को हम बैसाखी मनाते हैं हर साल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फिलअप इज डैश इंक्लूड प्ले ग्रुप्स एंड किंडरगार्टन. कौन से इस टाइप के स्कूल में प्ले ग्रुप और किंडरगार्टन भी होता है, मतलब जो छोटे बच्चों के लिए होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्री स्कूल्स. PRE, प्री स्कूल्स. SCHOOLS, प्री स्कूल्स, ठीक है? फिफ्थ इज वी पोस्ट अवर लेटर्स इन अ डैश. हम अपना लेटर कहाँ पोस्ट करते हैं? पोस्ट बॉक्स में. सिक्स्थ इज द एरिया अराउंड अवर हाउस इज अवर. हमारे आसपास के एरिया को हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड. तो नेबर की स्पेलिंग NEIGH, ने बर BOUR बर HOOD, हुड, नेबरहुड. बेटा स्पेलिंग अगर आप रॉन्ग लिखेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे, इसलिए स्पेलिंग की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी. याद तो सबको हो जाता है पर स्पेलिंग प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते, पर आपको स्पेलिंग प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आप क्लास 2 में है ना, तो आपको ये सारी स्पेलिंग्स आनी चाहिए, ठीक है? अ डैश हेल्प्स टू बिल्ड हाउसेस. घर बनाने में कौन हमें हेल्प करते हैं? मैसन, MASON, मैसन. मैसन मीन्स मजदूर, ठीक है? एंड डैश हेल्प्स टू डिजाइन हाउस. घर का जो हाउस का जो डिजाइन होता है वो कौन बनाता है? आर्किटेक्ट. हम इसको क्या पढ़ते हैं? आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? आर्किटेक्ट. ARCHITECT, आर्किटेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 8 फिलअप्स हैं जो आपको लिखने भी हैं और स्पेलिंग के साथ उनके आंसर्स को याद करना है. नाउ क्वेश्चन 2 में चूज द करेक्ट ऑप्शन, OPTION. ये आपको क्वेश्चन लिखना है सेकेंड में. On first is on holi we make a sweet called. Holi में हम कौन सी स्वीट बनाते हैं? A मोदक, B गुजिया और C सिवई. By mistake I have written मोदक but the answer is गुजिया. होली में हम कौन सी स्वीट बनाते हैं? गुजिया. ये नहीं होगा, मोदक गणेश चतुर्थी में बनता है, ठीक है? On holi we make a sweet called गुजिया. Now second is बिहू इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ. बिहू कौन कहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं, कौन से स्टेट के लोग सेलिब्रेट करते हैं? बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन असम, ASSAM, असम, ठीक है? बिहू असम में मनाया जाता है और हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है वहां का. नाउ थर्ड इज अ फायर इंजन कैरीज ए डॉक्टर्स एंड मेडिसिन,
बी फायरफाइटर्स, वाटर होस एंड लेडर्स, और सी पुलिसमैन, जो फायर इंजन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कैरी करता है वो, डॉक्टर्स को और मेडिसिन को कैरी करता है, तो नो बी फायर फाइटर्स, वाटर होस एंड लेडर्स, तो यस फायर फायर इंजन मीन्स जो फायर फायर इंजन होता है उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ वो कैरी करता है, फायर फाइटर्स को, वाटर को, होस को एंड लेडर्स को, होस मीन्स लंबी जो पाइप होती है ना उसको, तो आंसर इज सी बी। देखो फायर इंजन, फायर फाइटर, याद हो जाएगा ना ऐसे। चलिए फोर्थ इज, व्हाट इज द राइट वे टू क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने का क्या राइट वे होता है, क्या सही तरीका होता है, ए रन अक्रॉस द रोड क्विकली, हमें दौड़ के रोड क्रॉस करना चाहिए, और बी क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग, हमें ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए, ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए, और सी डू नॉट वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर वॉकिंग, और हमें ट्रैफिक के स्टॉप होने का वेट नहीं करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए, तो द राइट आंसर इज क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन, हम कौन सी डे पे, कौन सी डेट पर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ए 5th सितंबर, बी 14th नवंबर, एंड सी इज 15th अगस्त, तो हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे 14th नवंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है उस डेट पर हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ सिक्स्थ इज, हायर सेकेंडरी स्कूल इज फ्रॉम क्लासेस, हायर सेकेंडरी स्कूल कौन सी क्लासेस से होता है, ए 1 to 5, बी इसको ये रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है 1 to 5, बी 9th to 10th, और हायर सेकेंडरी स्कूल किस में होता है, 11th से 12th को हायर सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है, तो उसमें कौन कौन सी क्लासेस होंगी, 11th और 12th। चलिए 7th इज, वी गेट जूट फाइबर फ्रॉम, हमें जूट फाइबर कहाँ से मिलता है, ए कॉटन प्लांट से, बी जूट प्लांट से, या सी बनाना प्लांट से, तो हमें जूट फाइबर कहाँ से मिलता है, जूट फाइबर जूट प्लांट से ही मिलता है, तो आंसर इज बी जूट प्लांट। 8th इज, कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ, कच्चा हाउसेस कैसे बना होता है, सीमेंट से, स्नो से, या फिर मड एंड बैम्बू से, मिट्टी और बांस से, तो आंसर इज मड एंड बैम्बू। राइट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, तो फर्स्ट इज, अ प्राइमरी स्कूल इज फ्रॉम क्लासेस 1 to 5, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें क्लासेस 1 to 5 होती हैं, तो ट्रू। सेकेंड इज, वी शुड प्ले विद अ नाइफ, क्या हमें नाइफ के साथ खेलना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, थर्ड, वॉच टेलीविजन ऑल द टाइम, क्या हमें हर समय टीवी देखना चाहिए, तो ये भी आ जाएगा फॉल्स। चलिए यहाँ पर फोर्थ देखिए, फोर्थ नंबर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, 7 to 8 glasses, तो ट्रू। फिफ्थ इज, अ बैलेंस्ड डाइट मेक अस इल, जो बैलेंस्ड डाइट है वो हमें बीमार कर देती है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, सिक्स्थ इज, बाथ वंस अ वीक, क्या हमें हफ्ते में एक ही बार नहाना चाहिए, फॉल्स, रोज नहाना चाहिए। ठीक है, सेवेंथ इज, बंगलोज आर बिग हाउसेस विद लॉन्स, बंगलोज जो होते हैं वो बड़े घर होते हैं जिनमें लॉन्स भी होता है, तो ये आ जाएगा ट्रू। एट्थ इज, अ हाउस हैज अ फ्लोर ऑन द टॉप, हाउस जो घर होता है उसके ऊपर टॉप पर फ्लोर होता है, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि फ्लोर नीचे होता है और ऊपर क्या होता है, टॉप पर रूफ होती है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलिए मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 4 इज, मैच द कॉलम, यहाँ पर आपको मैच द कॉलम मैंने कई बार सिखाया है, वापस से मैं आपको बता रही, मैच द कॉलम जब भी आपको करना है आपको कैसे करना है, कॉलम ए और कॉलम बी लिख के यहाँ पर सिर्फ आंसर्स लिखना है, आपको क्रॉस या वो लाइन से मैच नहीं करना, उसके सामने जो ए बी सी डी लिखा हुआ है, देखो आप ए कॉलम में नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5, और बी कॉलम में ए बी सी डी लिखी हुई, तो इसके सामने जो भी सही है उसके सामने का अल्फ़ाबेट आपको लिखना है, जैसे
एक्रोबैट, एक्रोबैट यहाँ पर आएगा वॉक्स ऑन अ रोप, तो ये सी आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड है क्लाउन, क्लाउन का मतलब होता है जोकर, तो क्लाउन क्या करता है, ई मेक्स पीपल लाफ, लोगों को हंसाते हैं। थर्ड मैजिशियन, मैजिशियन क्या करता है, परफॉर्म्स ट्रिक्स, ट्रिक्स दिखाता है। फोर्थ पेंटर, पेंटर क्या करता है, पेंट्स बिल्डिंग्स, पेंटर क्या करता है, बिल्डिंग को पेंट करता है। फिफ्थ इज मिल्कमैन, मिल्कमैन क्या करता है, ब्रिंग्स मिल्क, तो यहाँ आंसर इज बी। सिक्स्थ इज होली, होली के सामने क्या आ जाएगा, गुलाल, तो जी आएगा यहाँ पर। सेवेंथ इज दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में किन की पूजा की जाती है, एफ गॉडेस दुर्गा की, तो आंसर इज एफ। एट दिवाली, दिवाली के सामने उसका आंसर दिया हुआ है दियास, ठीक है। चलिए टर्न द पेज, नाइन्थ नंबर पे ईद उल फितर, ईद उल फितर मैंने बताया था ना मुस्लिम्स फेस्टिवल होता है और इसमें सिवैयाँ बनती हैं और ये नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, मॉस्क में, तो ईद उल फितर में क्या बनाया जाता है, स्वीट डिश, सिवैयाँ। टेंथ इज क्रिसमस, क्रिसमस का आएगा आंसर आई, सेंटा क्लॉज। चलिए अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेम अवर नेशनल फेस्टिवल्स, हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं उनके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे, स्पेलिंग याद रखेंगे आई एन डी ई इन डिपेंडेंस, डी ई डी पेन पी ई एन पेन और डेंस डी ई एन सी ई इंडिपेंडेंस डे। सेकेंड इज रिपब्लिक डे एंड थर्ड इज गांधी जयंती, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन नेम एनी टू रिलीजियस फेस्टिवल्स, टू रिलीजियस फेस्टिवल्स में दिवाली और होली जो कि हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, इसलिए इसे रिलीजियस फेस्टिवल बोला जाता है, जो धर्म से जुड़े हुए त्योहार हैं दे आर नोन एज रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ थर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर व्हेन डू वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कब मनाते हैं, तो आंसर इज वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स व्हेन क्रॉप्स आर रेडी टू बी कट, जब क्रॉप्स तैयार हो जाती हैं काटने के लिए, जब फसल तैयार हो जाती है काटने के लिए तो हम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रिएशन, तो यहाँ आंसर इज रिक्रिएशन मीन्स टू इंजॉय और रिलैक्स, रिक्रिएशन का मतलब इंजॉय करना और रिलैक्स करना। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट इज एन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट क्या होता है, तो आंसर आ जाएगा अ हाउस इन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज कॉल्ड एन अपार्टमेंट, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में जो घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट। नाउ राइट क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, आंसर इज वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर्सेस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड इंसेक्ट्स। नाउ सेवेंथ इज व्हाट डज अ पॉटर डू विद अ पॉटर्स व्हील, पॉटर क्या करता है अपने पॉटर्स व्हील से, चाक से या चक्के से जो वो यूज करता है, कुम्हार जो अपना चक्का यूज करता है उससे क्या करता है, तो यहाँ आ जाएगा अ पॉटर डू की जगह लिखना गिव शेप टू थिंग्स, गिव शेप टू थिंग्स विद अ पॉटर्स व्हील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन भी हो गया, अब राइट क्वेश्चन नंबर एट फ्रॉम वेयर डू वी गेट नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं हमें, आंसर इज वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन इज वॉट इज फर्स्ट एड, बेटा ये बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट एड जो है वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि फर्स्ट एड क्या होता है। द आंसर इज द इमीडिएट, तुरंत, इमीडिएट मतलब तुरंत, द इमीडिएट हेल्प वी गिव टू अ पर्सन हु इज हर्ट, जैसे चोट लगी हुई हो उसे हम तुरंत अगर हेल्प कर दें बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले, इज कॉल्ड फर्स्ट एड। द इमीडिएट हेल्प वी गिव टू अ पर्सन हु इज हर्ट कॉमा बिफोर द डॉक्टर कम्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इज नेम एनी टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने की दो प्लेस जगह का नाम बताना है, तो आंसर इज टेंपल मंदिर, और आंसर इज टेंपल
मंदिर और सेकेंड इज चर्च. ठीक है, चर्च को हिंदी में गिरजाघर भी बोला जाता है. इलेवेंथ इज हाउ डज ए पुलिसमैन हेल्प अस. आंसर इज अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स अवर लाइव्स एंड बिलोंगिंग्स. पुलिसमैन हमारी जान भी बचाते हैं और हमारी बिलोंगिंग्स को, मतलब जो प्रीशियस चीजें हैं उन सबको भी बचाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट द थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम नेशनल एंथम गाते हैं तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए. तो सबसे पहले आंसर है स्टैंड स्ट्रेट, हमेशा सीधे खड़े रहना चाहिए. सेकेंड इज डू नॉट मूव, कभी भी हिलना डुलना नहीं चाहिए जब हम नेशनल एंथम गाते हैं. थर्ड इज डू नॉट स्पीक, और नेशनल एंथम गाते समय, जनगणमन गाते समय हमें आपस में बात भी नहीं करनी चाहिए. ठीक है, चलिए ये आपको फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 13. What do you mean by langar? Langar क्या होता है? तो langar is a free meal served in a gurudwara. Gurudwara में जो भोजन कराया जाता है लोगों को, जो free meal होती है जिसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते, उसे हम langar कहते हैं. ठीक है, चलिए right question number 6A. Question number 6 का A. Give two examples. अब two examples देना है. तो सबसे पहले है tool of a barber. जो barber होते हैं, जो नाई होते हैं, वो क्या क्या use करते हैं, कौन कौन से tool? Comb और scissor. ठीक है. Second is types of school. कितने प्रकार के school होते हैं? तो ये आ जाएगा pre-school. Pre-school जिनमें play school और kindergarten होते हैं. और दूसरा primary school, जो class 1 to 5 तक के schools होते हैं. ठीक है. थर्ड इज हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है, कौन कौन से होते हैं? बीहू और ओणम. आप इसमें बैसाखी भी लिख सकते हैं और इसमें आप पोंगल भी लिख सकते हैं. ठीक है. फोर्थ इज टूल्स ऑफ फार्मर. फार्मर के जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्लो. प्लो मतलब हल, PLOUGH, प्लो. और सिकल. सिकल मीन्स हसिया, इस शेप का होता है ऐसा काटने के लिए. ठीक है, तो प्लो और सिकल फार्मर के दो टूल्स होते हैं. नाउ फिफ्थ इज टूल्स ऑफ मैकेनिक. मैकेनिक के कौन कौन से टूल्स होते हैं? तो जैक और स्पैनर. सिक्स्थ इज टूल्स ऑफ प्लम्बर. तो पाइप्स एंड टैप्स, सॉरी टेप्स, पाइप्स एंड टेप्स. ठीक है. नाउ सेवेंथ है टू टाइप्स ऑफ पोर्टेबल हाउस. दो प्रकार के पोर्टेबल हाउस. पोर्टेबल हाउस क्या होता है, मैंने बताया था ना, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है. जैसे हम जिस घर में रहते हैं उसको हम, आज अगर अहमदाबाद में हैं तो हम अगले दिन उसको गांधीनगर नहीं ले जा सकते क्योंकि वो फिक्स है, परमानेंट है ना. पर जो पोर्टेबल हाउस होते हैं वो टेम्प्रेरी हाउस होते हैं, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. तो ये कौन कौन से होंगे? टेंट, TENT, टेंट और हाउस बोट. ठीक है, चलिए. एट इज टू टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस. टू टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस कौन से हो जाएंगे? बंगलो और अपार्टमेंट. ठीक है. नाइन्थ इज टू पार्ट्स ऑफ अ हाउस. हाउस के, घर के दो पार्ट कौन कौन से होंगे? ड्राइंग रूम और बेडरूम. और भी हैं, किचन है, वॉशरूम है, ये सब आप लिख सकते हैं, पर दो आपको लिखने, तो मैंने इसमें ड्राइंग रूम और बेडरूम लिखा है. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट इज टेंथ, टू प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन, जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे ही दो प्लेसेस के नेम लिखने. तो वन इज पार्क एंड अनदर वन इज ज़ू. राइट क्वेश्चन नंबर बी. आंसर इन वन वर्ड. आंसर इन वन वर्ड में सबसे पहले आपको लिखना है अ वॉर्म दैट गिव्स सिल्क. ऐसा कीड़ा या वॉर्म जो हमें सिल्क देता है, तो वो हो जाएगा सिल्क वॉर्म. सेकेंड इज अ प्रोटेक्टिव फूड. जो प्रोटेक्टिव फूड हमारे, मतलब ऐसा भोजन या ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे लिए सुरक्षा का काम, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, दैट इज फ्रूट्स. वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं पर फ्रूट्स लिखना है यहाँ पर. ठीक है. थर्ड इज अ पोर्टेबल हाउस. पोर्टेबल हाउस कौन सा हो सकता है? टेंट. फोर्थ इज अ पर्सन हु ट्रीट सिक और इंजोर्ड पीपल. तो यहाँ आ जाएगा डॉक्टर. फिफ्थ इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर एनिमल्स इन अ ज़ू. जो जू में उन एनिमल्स को देखता है उसे बोलते हैं जू कीपर. ध्यान रखता है जो जू के एनिमल्स का, उसको जू कीपर बोलते हैं.
इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन, इंडिया कौन से डे को रिपब्लिक हुआ था? 26 जनवरी 1950, दिस इज 50, और ये आपको पूरा लिखना है। सिर्फ 26 लिखेंगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 26 जनवरी लिखेंगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर आपने लिखा 26 जनवरी 1950 तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए सेवेंथ इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अवर टीथ, जो हमारे दांतों की दांतों का ध्यान रखता है, दैट इज डेंटिस्ट, DENTIST, डेंटिस्ट। एट इज अ पर्सन हु मेक्स पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स बनाता है तो वो कौन होगा? आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट। यहाँ पर लिख देती हूँ ARTIST, आर्टिस्ट, ठीक है। नाइन्थ इज अ पर्सन हु एक्ट्स इन प्लेस एंड मूवीज, जो किसी प्ले में, नाटक में या पिक्चरों में काम करता है उसे क्या बोलते हैं? एक्टर, ACTOR, एक्टर। फिर टेंथ इज अ टूल ऑफ अ मैसन, मैसन जो मजदूर होता है उसका टूल जो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रॉवल, TROVEL, ट्रॉवल। हो गया आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का ए, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का ए, कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। इस बार जो मिसिंग लेटर्स हैं वो आपको हिंट दी गई है और उसको आपको मिसिंग लेटर को कंप्लीट करना है। सबसे पहला दिया हुआ है सेल्स वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल सेल करता है, तो वो हो जाएगा यहाँ GR दिया हुआ था, दो स्पेस ब्लैंक थे, फिर NGR, फिर ब्लैंक, फिर C, फिर ब्लैंक और R, तो ग्रीन ग्रॉसर, तो ग्रीन की स्पेलिंग GREEN, ग्रीन N ग्रॉसर, GROCER, ग्रॉसर। सेकेंड इज रिपेयर्स पाइप्स एंड टैप्स, तो ये आ जाएगा प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर। थर्ड आ जाएगा कट्स हेयर, तो बारबर। फोर्थ आ जाएगा हेल्प्स बिल्ड हाउसेस, मैसन, MASON। फिफ्थ इज मेक स्पॉट्स, मेक स्पॉट, तो ये आ जाएगा पॉटर, POTTER, पॉटर। सिक्स्थ इज कैरीज अदर पीपल्स बैग, जो दूसरे पीपल दो लोगों के बैग उठाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोर्टर, PORTER, पोर्टर। सेवेंथ इज स्टिचेस क्लॉथ्स, तो कौन स्टिच करता है क्लॉथ्स? टेलर, TAILOR, टेलर। एट इज फिट्स द इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड लाइट्स, तो कौन होगा? इलेक्ट्रिशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। फिर है चूज द ऑड वन आउट, बी एक्सरसाइज, चूज द ऑड वन आउट। वन, फर्स्ट इज नायलॉन, रेयन, जूट और पॉलिस्टर, इनमें कौन ऑड वन आउट होगा? जूट, क्योंकि नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर जो है आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड फाइबर है, पर जो जूट है वो कौन सा फाइबर है? नेचुरल फाइबर। मतलब नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर को हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं और जूट जो है वो प्लांट से हमें मिलता है, इसलिए जूट अलग आएगा, ठीक है। सेकेंड इज बंगलो, अपार्टमेंट, विला और टेंट, तो देखो बंगलो, अपार्टमेंट और विला को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स ये परमानेंट हाउसेस हैं, और जो टेंट है वो क्या है? टेम्पररी है, उसको हम मूव कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा? ऑड वन आउट। चलिए थर्ड इज स्पैनर, जैक, स्क्रू ड्राइवर्स और पॉटर्स व्हील, तो इसमें क्या आ जाएगा? स्पैनर, जैक और स्क्रू ड्राइवर मैकेनिक यूज करता है, जो पॉटर्स व्हील है वो पॉटर यूज करता है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। फोर्थ इज टीचर, लाइब्रेरियन, प्यून और पॉलिस, तो टीचर, लाइब्रेरियन और प्यून स्कूल में वर्क करते हैं और जो पॉलिस होता है वो ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ इज जैकेट, स्वेटर, शॉल और रेनकोट, तो आपको मालूम है अभी विंटर आ गया है, तो जैकेट, स्वेटर और शॉल विंटर में यूज होते हैं और रेनकोट मॉनसून में या रेनी सीजन में यूज होते हैं, ठीक है। सिक्स्थ इज बीहू, ओणम, बैसाखी और होली, तो बीहू, ओणम और बैसाखी फेस्टिवल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल और होली क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर एट है, आप लोगों का सबसे अच्छा जो वो होता है ना फेवरेट पोर्शन वो है, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ, आपको ड्रॉ भी करना है बहुत अच्छे से और उसको कलर भी करना है,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको हट, इग्लू, फिर उसके बाद एक और पिक्चर है टेंपल और एक और पिक्चर है फ्लैग। तो फ्लैग जब आप बनाओगे तो ट्राई कलर होना चाहिए, ठीक है, और सही से बनना चाहिए। हट भी आपको अच्छे से बनाना है और टेंपल भी अच्छे से बनाना है, और टेंपल है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ओम। कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा टेंपल, ठीक है। तो ये आपको सब बना के प्रैक्टिस करनी है और कलर भी करना है। सिर्फ आप लोग बना के छोड़ देते हैं, कलर नहीं करते, पर कलर भी करना। ओके, सो दिस इज अवर कंप्लीट वर्कशीट ऑफ यूनिट टू टेस्ट। सो ऑल ऑफ यू राइट इट इन योर नोटबुक एंड लर्न इट प्रॉपरली। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ठीक है। और स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से करनी है, स्पेलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए।